गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है दीपावली और दीपावली की आप लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी दीपावली। और आज के इस व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। चलिए सबसे पहले तो मैं पटाखे लाया हूँ, कुछ आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़े से हैं फिर चलाएंगे, और फिर काफ़ी हैवी बम भी लाया हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस ये मैं आइटम्स लाया हूँ जो कि इनमें देखिए ये रॉकेट्स हैं, और ये कुछ लैला मेनू हैं, और ये जो थोड़े से हैं मेरे पास बहुत थोड़ा सा माल लाया हूँ, लेकिन इतना चलो थोड़ा सी चलाएंगे, ज़्यादा शौक भी नहीं है अपने को। तो गाइस अब हम करते हैं इस वाले पटाखे की टेस्टिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइज में। मैंने ये कैंडल यहाँ पे इसलिए सेट कर दी है ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिख सके इसके बगल में, ठीक है। मैं आग दूसरी वाली कैंडल लगाऊँ, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैंडल बुझती है या नहीं। इसकी आग से मैं भाग जाऊँगा जैसे ही मैं इसमें आग लगाऊँगा। ओ गाइस यहाँ से कुछ टूट के भी गिरा है जाके, मुझे मालूम नहीं है वैसे। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हैवी बम की पावर कितनी थी। मैं ये कैंडल लेके इसलिए खड़ा हूँ ताकि मेरे चेहरे पर थोड़ी ब्राइटनेस बनी रहे। और मैं बता दूँ कि वहाँ से मैंने जहाँ पे हैवी बम चलाया उससे 5 मीटर दूर एक कांच की बोतल रखी हुई थी, वो गाइस उसके मतलब धमक जो होती है धमक से टूट कर गिरी। आप लोग ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पूरी बोतल टूट के गिरी है, और मैं एकदम आपको एक्यूरेट बात बता रहा हूँ कि ये उसी से टूट कर गिरी है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप वीडियो में एक बार फिर से देख सकते हैं, जैसे ही बम फटा आपको कुछ टूटने की आवाज़ आई होगी। OMG इतनी ज़्यादा पावर थी उसमें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पटाखे का फिर से एक बार और वीडियो लेके आऊँ किसी और से उसका पावर टेस्ट करूँ, तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, मैं कर दूंगा। और अब आप लोग थोड़ा और देखिए, मैं थोड़ा और एक आध स्काई शॉट वगैरह चलाता हूँ। बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, तो हमारे पास है VIP बहुत ज़्यादा भी। देखिए मेरे पीछे का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर, वाह बड़ा ये। सो गाइस यार अपने पास अभी ये थोड़ा सा आइटम बचा हुआ है, थोड़ी सी चकरियाँ बची हुई हैं, और थोड़े से ये मेरे पास हैवी वाले बम बचे हुए हैं, लैला मजनू जिनका नाम होता है, जो अनार के तरीके से फटते हैं। और बूम ये है मेरे पास थोड़ा सा अभी ब्लास्टर आइटम, जो कि ये इस वाले की टेस्टिंग मैंने आपको करके दिखा दी है कितनी ज़्यादा हैवी थी। बोतल फोड़ दी और ये उसका भी बाप है, कल
इन दोनों के नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों का वर्सेस निकालेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी फिलहाल ये चलाते हैं एक। तो गाइस फाइनली अब मैं इसमें आग लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने आग लगा दी है और आग लग चुकी है। ये अपना वाला अभी चल रहा है। अरे यार गाइस ज़्यादा जूम हो गया, दिख नहीं पाया गाइस। कोई बात नहीं गाइस, एक और है मेरे पास। गाइस इसमें से अभी तक धुआं निकल रहा है जो चल चुका है। ये देखिए गाइस एकदम टनल सी, इसका ये टेप हटाती हूँ और इसमें से ये अभी तक धुआं निकल रहा है। तो गाइस मैं फिर से आग लगाने जा रहा हूँ इसमें, और ये आग लग चुकी है। और अब आप लोग देखिए ये ब्लर हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, बट कोई मगर इसमें कुछ इतने ज़्यादा स्टार्स नहीं निकले तो इसका रिजल्ट बेकार। तो गाइस अभी अपन लोग चलाएंगे चक्री। ये चक्री जो कि साइज में आपको मुझे पता नहीं कितनी बड़ी लग रही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो अब इसे चलाते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट करके कैसा है। वैसे आजकल पटाखे काफ़ी ज़्यादा बेकार निकल रहे हैं मेरे पटाखे। क्यों नहीं रही तो गाइस इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया गाइस यार। एकदम लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड दिस इज़ अ कैनल। सो अभी मेरे पास और भी हैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये देखिए मेरे पैर के नीचे कांच आ गया अभी ये देखिए बोटा। तो अच्छा वो मैंने स्लीपर्स डाल रखी नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें। पोमन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।